तो सबसे पहले यहाँ देखिए और ये बताओ इस वर्ड को क्या बोलते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं इसे। तो जो सही तरीका है इस वर्ड को बोलने का वो है ककोफनी, ककोफनी। और ककोफनी जो है ये एक नाउन है। तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, या फिर आप बोल सकते हो ऐसी कोई भी चीज़ है जिसे आप एक नाम दे सको। तो ककोफनी मैं बोलता हूँ उस आवाज़ को जो सुनने में अच्छी ना हो, एक हार्श साउंडिंग मिक्सचर ऑफ वर्ड्स वॉइस और साउंड्स। जैसे आपने देखा होगा कहीं रोड पे जाम लगा है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ हॉर्न मार रही हैं, तो इस तरह की नॉइज़ को आप एक नाम दे सकते हो ककोफनी। अब यहाँ पे एग्जांपल देखना, एट होम, एट वर्क एंड इन द स्ट्रीट द ककोफनी नेवर सीजेज। तो इन जगहों पे ककोफनी यानी नॉइस कभी खत्म नहीं होती। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ पीपल ऑल शाउटिंग एट वंस वुड प्रोड्यूस अ ककोफनी। तो एक साथ काफी सारे लोगों का चिल्लाना क्या प्रोड्यूस करता है? ककोफनी। नेक्स्ट, अ ककोफनी वाज हर्ड एवरी टाइम व्हेन द स्पीकर टच द माइक्रोफोन। तो हर बार जब स्पीकर ने माइक्रोफोन को टच किया तो क्या सुनाई दिया? ककोफनी। और किसी वर्ड के साथ आपको जुड़ा दिखे कक्को, ककोज का मतलब होता है खराब। तो इस ककोज से कई वर्ड बने इंग्लिश में, जैसे ककोफनी, ककोग्राफी। ककोग्राफी मैं बोलता हूँ उस लिखावट को जो कि खराब हो, तो इस मेरी लिखावट को आप ककोग्राफी बोल सकते हो। और फोन मीन्स साउंड, यहाँ पे आपको फोन दिख रहा होगा, तो फोन से जैसे हमारे वर्ड बने हैं टेलीफोन, माइक्रोफोन। तो ककोफनी यानी खराब साउंड। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल IMP वोकैबुलरी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी वोकैब के साथ। धन्यवाद।